अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज इतने दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से व्लॉग जो है ना वो थोड़े से देर देर से आ रहे हैं। तो वैसे तुसों की क्या लगा है, भावें लेट अच्छा जल्दी से तुसों कड़ा तकना। खैर अभी मैं क्या बनाने जा रही हूँ, अभी मैं बनाने तो कुछ नहीं जा रही, अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने के लिए स्कूल से जी। तो मैंने सबसे छोटे बेटे को तो पिक कर लिया है और ये देखिए किस तरह को जो है जा रहा है शरारतें, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ छोटी अपनी बेटी का, तो वो बस निकले तो उसके बाद दूसरे बच्चे मेरे बाहर खड़े होंगे। तो ये देखो कितनी हरकतें इस रंग उल्टी सीधी कर रही है। तो मैं ले आई हूँ बच्चों को, और बाहर अच्छी खासी जो है ना गर्मी और बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, तो बस बच्चों ने जो है ना बस्ते वगैरह रखे, बिस्तर कहने लगी थी तो खैर बस्ते वगैरह रखे। और मेरी पता नहीं थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं ज़्यादा चलूँ भी तभी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, या मैं कोई वजनी चीज़ उठा लूँ तभी मेरे साथ एक सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, फिर मुझे चक्कर से आना शुरू हो जाता है। तो बस मैं बच्चों को ले आया, पीछे बच्चों की आवाज़ तो आपको आ रही है, सबसे छोटे वाले की तो आपको अमूमन आती ही होगी क्योंकि वो शो डालता है, तो उसने लगाए हुए हैं कार्टून। तो बस अभी बनाते हैं खाना, और खाने में क्या मैं बना रही हूँ वो तो मैं आपको, मैं बना रही हूँ दाल चावल, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे गोलगप्पे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मज़े मज़े के खाएंगे खट्टे मीठे गोलगप्पे। तो चलिए बनाते हैं अभी जो है ना दाल चावल, और उसके बाद बनाएंगे। तो सब ही आँखो कि इतनी है बीमार हुई, कमज़ोर फिर भी कोई नहीं हुई, पर मैं क्या करूँ, मैं टीठ हड्डी हूँ, मैं ना कमज़ोर होनी हूँ, मैं ना कमज़ोर हो सकनी, दम के आखी सकनी हूँ। खैर बीमार तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा रही हूँ, और अभी थोड़ी सी पहले से बेहतर हूँ। तो बस चलिए चलते हैं, चलते कहाँ पे हैं, बनाते हैं खाना और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसा हो। ए तक जी, और एक इन्हें चावल साढ़े तैयार, तो नाल होएगी जी दाल साढ़ी तैयार मज़ेदार, किसमी चने नी दाल, तो नाल थोड़ी जी मसूर नी दाल, तो मूँगी नी दाल मैं बनाई। अभी खाते हैं खाना। ये मैंने प्लेट में डाल ली है जी दाल चावल, ते नाल थोड़ा जा सलाद बनाया साथ में, यहाँ थोड़ा चखा इसकी, ते चलो तुसों भी खाओ। कसमें बहुत मज़े ने बने ने, टेस्टी टेस्टी, जैसे बाजारी दाल चावल होने ना वो जे बने ते चलो मैं खानी है खाना, तो फिर बाद में मिलनी है खाना जी। खाना तो मैंने खा लिया है, तो बस अभी ये हम लोग फिर गोलगप्पे की तैयारी कर रहे हैं कि पेट भर के खाना भी तुन लिया है, तो ये है मीठी चटनी, तो अभी मैं दिखाती हूँ मुझे बना के। तो आलू भी मैंने रखे हुए बॉईल करने के लिए, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मीठी चटनी। ये है मीठी चटनी, वो है ग्रीन चटनी, और दूसरी दूसरी चटनी है जो है ना। तो साथ ही मेरे बच्चे कहते केक खाना है, तो मैंने उनके लिए बना लिया है केक। तो ये देखें मज़ेदार किस्म का केक हो गया हमारा तैयार, ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो दो पीस तो खा लिए पहले, और अब ये वाला पीस जो है ना खाने में बहुत गर्म है, कसमी तत्ता से ही। तो जो चिट्टे में चावल उबाले से ना, उस समय क्या किया, थोड़े जे मीठे चावल अपने हस्बैंड की खुश करने इसते मैं थोड़े जे बनाई छोड़े, तो देखो तुम कि सही लगने या नहीं लगने की है, जैसा होना कलर आया है ना, कितना ज़बरदस्त लग रहा है मीठे चावलों का कलर। तो चलिए बनाते हैं अभी गोलगप्पे और खाते हैं गोलगप्पे। ये देखें जी गोलगप्पा मैं तोड़ रही हूँ, तो देखें कितना ज़बरदस्त और क्रंची क्रंची सा बना है। तो अभी बनाते हैं और इसको खाते हैं मज़ेदार किस्म का। सामने तुसों की दिसने पे चने पे, तो खट्टा पानी, तो नाल चटनियाँ, ओए होए क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है मेरी। और बड़े ज़बरदस्त बने हैं जो है ना गोलगप्पे, घर में ही बनाए हैं, ये बाहर से नहीं हम लोग लेकर आए। तो बस अभी मैं इसमें चने डाल रही हूँ, थोड़ी सी डालते हैं चटनी, तो अब मैं डालने लगी हूँ साथ ही इसके बाद मीठी चटनी। और मीठी चटनी के बाद यानी कि इमली की चटनी जो है ना वो बनाई थी, और सामने आपको दिख रहा है ना खट्टा पानी, आहा क्या मज़ेदार किस्म का खट्टा खट्टा पानी है। तो इसको देख के अगर आपके मुंह में पानी आया तो पी के छोकें के खाई, तो तुम सकड़े कोई नहीं हो, गलत है वही, तो खैर तो चलो हूँ मैं तो खाई सकनी है ना, तो पहले मैं चखनी है फिर मैं तुम की दसनी है कि की अजा बनया, यानी कि फिर मैं आपको मैं बताती हूँ कि कैसा बनाए। ये देखें जी लग रहा है ना ज़बरदस्त, तो चलिए मैं अभी टेस्ट करती हूँ फिर मैं आपको दसती हूँ। ओए होए होए क्या बात है सच्ची, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, यमी अभी बने हैं। तो चलिए खाते हैं नेक्स्ट वाला, क्योंकि एक नाल तो सुन की नहीं पता लगने लगा। ये देखिए मैं नेक्स्ट, और इसकी आवाज़ आ रही है ना क्रंच क्रंच करके, यानी कि सॉफ्ट नहीं हुए। तो बस अभी मैं इसमें आलू और चने डाल रही हूँ, और मैं इसमें वही जो जन चटनी, और अब मैं डालने जा रही हूँ जी मीठी चटनी, और ये काफ़ी स्पाइसी स्पाइसी भी थे। तो बस अभी पानी डालते हैं, खट्टा पानी डालते हैं, इसके बगैर तो फिर गोलगप्पे का फ़ायदा ही कोई नहीं। तो अब इसको ऊपर से कूट कूट करके भी पी सकते हैं। तो चलिए फिर खाते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं मज़ेदार किस्म का। तो ये है आप सब लोगों के लिए जो मैं खाने लगी हूँ, तो ये वाला जो है ना ये भी आप सब लोगों के लिए, इंजॉय करो। हाँ जी, तो खाना हमने खा लिया है, तो खाना पेट भर के खाया, तुन तन के खाया, और उसके बाद आपको गोलगप्पे भी मैं तुसों की दसे ना,
तो तुसा देखे ना कि कितने मजे ने, से मजे ने थे से ना, मुँह पानी आया ने ना। अगर मुँह पानी आया तो पी के चुके कि खाई तो सकने कोई नहीं हो। चलिए तो मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी चावल सी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंजूस लोग को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।